हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटेंसी लर्निंग मेड इजी। बेटा दिस इज अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स करा दी थी। दो तरह की कंपैरेटिव स्टेटमेंट कराई है मैंने। एक कराई थी कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, उसके तीन क्वेश्चन ही थे। पहले तीन क्वेश्चन थे तो फर्स्ट सेकेंड मैंने कराया था, थर्ड आपको होमवर्क दिया था। उसके बाद जो है आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट सिखाई, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट किस तरह से बनती है, उससे रिलेटेड कुछ मैंने क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। पेज नंबर 3.26 है डीके गोयल की बुक का। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर दे रखा है हमें 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 दे रखा है। तो ऐसे करिए, सबसे पहले आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ईयर कौन कौन से हैं, 31 मार्च 2017 एंड 18। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होगा, मैंने कल बनवाया भी था। पहला कॉलम बनता है बेटा पर्टिकुलर्स का, फिर बनता है नोट नंबर का। लिखिए जरा, ये जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ या इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं बनती। जैसे आपने पार्टनरशिप फॉर्म करी थी तो उसमें क्या किया था आपने, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाई थी बैलेंस शीट। यहां पर कौन से फॉर्म में बनती है, यहां पर वर्टिकल फॉर्म में बनती है। पर्टिकुलर नोट नंबर पहले आप लिखेंगे, जो 2017 है उसका ईयर क्या होगा, 2016-17। ठीक है, फिर 2017-18 जो प्रीवियस ईयर पहले हम लेंगे उसको, फिर करंट ईयर लेंगे। जो क्वेश्चन का करंट ईयर होगा वो है 17-18, वो बाद में लेंगे। फिर हम लेंगे बेटा एब्सोल्यूट चेंज लेंगे। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या होता है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है, हमारी जो आइटम है प्रीवियस ईयर के साथ कंपेरिजन होगी। एब्सोल्यूट चेंज इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए इंक्रीज और डिक्रीज। लास्ट कॉलम जो बनता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज। अब आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नोट नंबर को कोई नंबरिंग नहीं देते, आप क्या करोगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स को एक नंबर दे दोगे 1, और जो 2016 है उसको 2 दे दो, 17-18 को 2, 17-18 को 3 एंड एब्सोल्यूट चेंज को 4 और परसेंटेज चेंज को आप दे दो 5। उसके बाद हम वो लिखेंगे ABCD, हमें पर्टिकुलर को कोई भी वो करने की जरूरत नहीं है, ए कॉलम देने की जरूरत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर उसको हम पहले ए लिख देंगे, उसके बाद जो करंट ईयर उसको हम लिख देंगे बी। तो लिखिए जरा, पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें लिखेंगे ए, फिर जो करंट ईयर उसमें बी, फिर एब्सोल्यूट चेंज में सी, सी का फार्मूला मैंने बताया हुआ है बी माइनस ए, और फिर लास्ट जो है परसेंटेज चेंज में उसमें लिखेंगे डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। फिर लाइन लगाने के बाद आप क्या करोगे, जो तीन कॉलम्स है 16, 17, 18 एंड एब्सोल्यूट चेंज उसमें रुपीज लिखेंगे, और जो परसेंटेज चेंज है उसमें परसेंटेज लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा गया है, तो नंबर 1 लिखिए पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें अमाउंट नहीं दिया हुआ, हमें ये कहा गया है कि 175% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, देखो पहले 3 लाख है। अभी मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूं, उसका 175% कहा गया है, तो आप कर लीजिए इसको 5,25,000 आ जाएगा। तो
तो प्रीवियस ईयर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 525,000 आ गया, और जो करंट ईयर है उसमें कहा गया है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका 200% करना है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 5 लाख, 5 लाख का 200% आ जाएगा बेटा 10 लाख, तो अब यहाँ लिख लीजिए 10 लाख, तो कितना चेंज आ गया। आप ये देखिए 10 लाख में से 525,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 475,000, दोनों का डिफरेंस बी माइनस ए, बी का अमाउंट है बेटा 10 लाख और ए का अमाउंट है 525,000, तो जो डिफरेंस आया दैट इज 475,000। अब डी का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या है डी का फार्मूला, सी अपॉन ए इंटू 100। अब ए कितना है बेटा, 525,000 है, तो आप परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, ठीक है 1900 अपॉन 21 9 पर जाएगा, 9 फिर जाएगा 90 पॉइंट, आंसर में से मैं देख के बता देती हूँ बेटा आपका 90.48 आएगा, तो अब लिख लीजिए 90.48। अब हमें क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है, चाहे ना भी दे रखो आपने नंबर 2 लिखना है अदर इनकम, ठीक है चाहे नहीं है कोई बात नहीं, आपने डैश लिख देना है, फिर आप लिखोगे टोटल रेवेन्यू, नंबर 3 लिखेंगे टोटल रेवेन्यूज, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 2। अब आपका चाहे अमाउंट वही आए फिर भी आपको लिखना पड़ेगा, पहले आया 525,000, फिर उसके बाद 10 लाख, ठीक है आप लिख लीजिए 525,000, अगले का आया आपका 10 लाख, उससे अगले का आया आपका 475,000, सेम अमाउंट ही आने वाला है आपका, ठीक है 475,000, उसके बाद आप लिखोगे 90.48। अब नंबर 4 किसको दोगे आप, लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस यहां पर क्या है, हमारे को दे रखे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जो प्रीवियस ईयर है उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, दैट इज 3 लाख, अब जो करंट ईयर है उसमें कितना है आप देखेंगे 3 लाख और 5 लाख है, जो प्रीवियस ईयर उसमें 3 लाख है अब 5 लाख है, तो कितना चेंज आया बेटा 2 लाख का डिफरेंस आ गया, तो आप डिफरेंस लिख लेंगे 2 लाख, और जो परसेंटेज है वो कैसे लिखेंगे आप, जो इसमें चेंजेस आए हैं वो है 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, तो आप करके देख सकते हो 2 अपॉन 3 इंटू 100 कर लो, क्योंकि जीरो तो कट ही जाएगी, परसेंटेज तो मैं 2 मिनट में बता भी सकती हूं पर आपको समझा रही हूं कि ऐसे किया 200.3 66.67, आप देख सकते हैं यही आंसर आ रहा है 66.67। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, अदर एक्सपेंसेस कहे गए हैं, उसके बाद हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, अब ये समझ लेना अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, दैट इज 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले जो ईयर की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो प्रीवियस ईयर है उसका है हमारे पास है 5,25,000, उसके ऊपर आपने 5% निकालना है, तो आप निकालिएगा 26,250, और जो ये है 10 लाख का 5% 50,000 आ जाएगा, इस साल में भी 5% है, 10 लाख का 5% 50,000, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपने देखना है 50,000 में से 26,250 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 23,750, तो उसके बाद हम फार्मूला क्या लगाएंगे, आपको पता ही है कि डी का फार्मूला है सी अपॉन ए इंटू 100, 23,750 इंटू 100 अपॉन 26,250, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
अदर एक्सपेंस का 90.48। अब आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंसेस कर दोगे, जो एक्सपेंसेस हम उनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो लिखिए टोटल एक्सपेंसेस, हमारे ये जो दोनों एक्सपेंसेस है उसको आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे। तो टोटल क्या आएगा बेटा, प्रीवियस ईयर का आएगा 3,26,250 और करंट ईयर का आएगा 5,50,000। तो डिफरेंस कितना आएगा आपका, आपका डिफरेंस आएगा 2,23,750। आप ऐसे भी लिख लोगे तो भी ठीक है, 5,50,000 में से मैं माइनस करके दिखाती हूँ, तो अभी आपका यही आएगा 5,50,000 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 3,26,250। तो आप करके देख सकते हैं बेटा, यही आएगा आपका 2,23,750। फिर आपका डी का फार्मूला क्या लगेगा, सी अपॉन ए इंटू 100। सी क्या आया आपका, 2,23,750 आया है, इंटू 100 अपॉन 2,23,750 इंटू 100 अपॉन कितना है आपका ये प्रीवियस ईयर का 3,26,250। ठीक है, फाइव के टेबल इसको काटेंगे, ठीक है, फिर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब जितना कट गया इसके बाद हम और नहीं कट सकता, तो 179,00/261 कर लेना। तो टोटल एक्सपेंसेस का हम क्या करेंगे, आंसर आएगा बेटा 68.58। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नंबर 5, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कैसे लेते हैं बेटा, थर्ड माइनस फोर। जो आपका थर्ड आया है 5,25,000 आया है, और जो फोर है आपका वो कितना आया है, फोर आया आपका 3,26,250। तो आप माइनस करोगे 5,25,000 में से 3,26,250, तो माइनस करके आ गया आपका, ठीक है, 1,98,750। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, यही आया 1,98,750। उसके बाद 10,00,000 में से 5,50,000 माइनस करो तो दिख ही रहा है हमारा 4,50,000 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 4,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,98,750, तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, 251,250। दोबारा चेक कर लेते हैं हम, हमारा जो है 4,50,000 है, उसमें से हम 1,98,750 माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, यही आ रहा बेटा 251,250। अब हम अगला क्या लिखेंगे, 251,250 इंटू 100 अपॉन कितना है 1,98,750। ठीक है बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम निकालेंगे, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये आएगा 126.42। ठीक है, अब हमें क्या देना पड़ा, इनकम टैक्स देना पड़ा 50%। तो नंबर 6 लिख लीजिए, इनकम टैक्स 50% आप इसका लिख लीजिए, 198,750 का 50% इज हाफ 198,750 का 50% का मतलब होता है हाफ। बेटा हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे लिखा दोबारा बता देती हूँ, थर्ड माइनस फोर किया, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड हमारा 5,25,000 है, फोर हमारा 3,26,250, 5,25,000 में से हमने 3,26,250 माइनस कर दी तो आ गया 1,98,750।
फिर उसके बाद इधर वाले ईयर में से कैसे किया, 10 लाख में से 5,50,000 माइनस किया तो आ गया 4,50,000। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया, 4,50,000 में से 1,98,750 माइनस किए तो आ गया 2,51,250। फिर ये परसेंटेज मैंने कैसे निकाली है, 2,51,250 इंटू 100 अपॉन 1,98,750 तो आया 126.42। उसके बाद हम एक क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है 50%, जो हमारे प्रॉफिट निकला है 1,98,750 इसका 50% किया तो 99,375 आ गया। उसके बाद इसका 4,50,000 का 50% आया 2,25,000। फिर हम जो ये सी है कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, 2,25,000 में से हमने 99,375 माइनस किए तो आ गया 1,25,625। फिर हमने ये डी कैसे निकाला है, ये आया हमारा अमाउंट 1,25,675 इंटू 100 अपॉन 99,375 तो आ गया 126.42। उसके बाद हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालना है, जो हमारा नंबर 5 था उसमें से हमने नंबर 6 माइनस कर दिया, हमने जो इसमें से ये माइनस किया 1,98,750 में से 99,375 तो हमारा आंसर आया 99,375। उसके बाद 4,50,000 में से हमने 2,25,000 माइनस किए तो आ गया 2,25,000। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यही आएगा सेम आएगा 1,25,625 सेम यही आने वाला है और परसेंटेज भी सेम ही आएगी, क्यों, क्योंकि 1,25,625 इंटू 100 अपॉन 99,375 तो 126.42 आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 2017। हमें 18 और 17 का क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर 31 मार्च 2018 और 17 दे रखे हैं, तो ऐसे ही हमने बनाना है जैसे मैंने बताया था। अब ऐसे करो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट बना लीजिए, लिखिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 18। सेम बाई चांस ईयर सेम ही है तो आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है, सेम फॉर्मेट है, आप लिख लीजिए सारा। पहले आएगा पर्टिकुलर, फिर आएगा नोट नंबर, पहले आएगा 16-17, फिर आएगा 17-18, उसके बाद आप एब्सोल्यूट चेंज लिखोगे, इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद आप परसेंटेज चेंज लिखोगे। फिर आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, पर्टिकुलर को 1, प्रीवियस ईयर को 2 और करंट ईयर को 3 देते हैं नंबर, और 4 नंबर एब्सोल्यूट चेंज को देते हैं। फिर परसेंटेज चेंज में हम क्या करते हैं, उसको नंबर 5 देते हैं। अब जो प्रीवियस ईयर उसमें ए लिखेंगे, करंट ईयर में बी, और जो हमारा एब्सोल्यूट चेंज है उसको सी देंगे नाम, सी मतलब बी माइनस ए, और जो लास्ट कॉलम उसको हम डी नाम देते हैं, डी मीन्स सी अपॉन ए इंटू 100। फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर जो पहले 3 कॉलम्स हैं प्रीवियस ईयर करंट ईयर और एब्सोल्यूट चेंज उसको हम रुपीज रुपीज दे देते हैं, और लास्ट वाले को हम क्या देते हैं बेटा, लास्ट वाले को हम परसेंटेज लिख देते हैं। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जो प्रीवियस ईयर उसमें 6 लाख दे रखा है और करंट ईयर में हमें 9 लाख दे रखा है। तो आप देख सकते हो पिछले साल 6 लाख थी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी की, तो अब 9 लाख है, तो कितनी इंक्रीज होगी, 3 लाख। ये इस कॉलम लिखा 3 लाख, अगले कॉलम में 3 लाख इंटू 100.6 लाख तो ये आ जाएगी बेटा 50%, ठीक है। तो आप लिख लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50%। उसके बाद हमें क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं दी हुई, नहीं भी दी तो कोई बात नहीं, आपने अदर इनकम लिखना है, चाहे डैश ही क्यों नहीं लिखना, लिखना पड़ेगा। फिर अब आप लिखोगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू होगा 1+2, सेम अमाउंट ही आएगा चाहे, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा 6 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 9 लाख, और जो डिफरेंस आया वो है 9 लाख माइनस 6 लाख, 3 लाख आ गया, और जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 50, ठीक है। अब हमारी टोटल रेवेन्यू आ गई है, अब हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम एक्सपेंसेस देखेंगे क्वेश्चन में कितने हैं। तो हमारे पास नंबर 4 दिन है, हमने लेस एक्सपेंसेस, लेस ये क्वेश्चन नंबर बेटा 10 करा रही हूँ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में जो दे रखे हैं आप देखेंगे कौन कौन से हैं, एक तो हमें दे रखा है अदर एक्सपेंस और एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड।
पहले हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, तो आप लिखिए जरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा जो प्रीवियस ईयर 6 लाख का 60% करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60% है, तो 6 लाख का 60% आता है 3,60,000। उसके बाद जो हमारा करंट ईयर है उसने 9 लाख का 50% बोला है, तो 9 लाख का 50% होता है 4,50,000। फिर हम क्या करेंगे, 4,50,000 में से 3,60,000 माइनस कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा। उसके बाद 90,000 अपॉन 3,60,000 इंटू 100, तो 25% आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अदर एक्सपेंस दे रखे हैं, तो लिखिए जरा अदर एक्सपेंसेस। अब हमें अदर एक्सपेंस का आंसर नहीं दिया हुआ, मतलब अमाउंट नहीं दिया हुआ कितना है, पर हमें क्वेश्चन में कहा गया जो प्रीवियस ईयर में 20% है, किसके ऊपर 20% है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दो। रेवेन्यू कितने बटा पहले 6 लाख है, उसमें से कॉस्ट माइनस करने को कहा गया है, 3,60,000 हमारी कॉस्ट है, तो रह गया 2,40,000। 2,40,000 के ऊपर हमें 20% कहा गया है, 2,40,000 का 20% अगर करो तो 48,000 आता है। तो फर्स्ट ईयर में हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के नीचे अदर एक्सपेंस लिखे, फिर समझो उन्होंने कहा रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो, रेवेन्यू 6 लाख है और कॉस्ट माइनस करो 3,60,000, तो बच गया 2,40,000, उसका 20% कहा गया है, तो अदर एक्सपेंस के सामने हम लिखेंगे 48,000। उसके बाद जो हमारा करंट ईयर है उसमें हमारी जो रेवेन्यू है वो 9 लाख है और ये 4,50,000 है कॉस्ट, तो उसमें से माइनस करो तो 9 लाख में से 4,50,000 माइनस करके आ गया 4,50,000। इसका हमें 15% कहा गया, ध्यान से देखिएगा जो करंट ईयर है क्वेश्चन का उसका 15% कहा गया, तो आप इसको बताएंगे मल्टीप्लाई करके, बता रही हूं अभी मैं कितना आएगा, 67500, 67500। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, यही आएगा, यस बेटा 67500 आएगा। तो ये जो 67500 आया है उसमें से हम 48,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आएगा हमारा 19,500। ये यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा चेंज कितना आया है अदर एक्सपेंस में 19,500, और जो लास्ट कॉलम होगा उसमें लिखेंगे 19,500 इंटू 100 अपॉन 48,000। ठीक है, अब हमारा जो अदर एक्सपेंस है उसका परसेंट आएगा 14.63। अब आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंसेस करोगे, टोटल एक्सपेंस कैसे लिखते हैं, जो हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है उसके अंदर हम अदर एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, तो आप इसको ऐड करके लिखेंगे, इसका टोटल आएगा बेटा 4,08,000। ठीक है, और इसका कितना आएगा 5,17,500। ठीक है, अब जो डिफरेंस बचेगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये डिफरेंस होगा बच्चे 5,17,500 में से हम माइनस कर देंगे 4,08,000। ठीक है, 105,500। मैं दोबारा देखती हूँ, नहीं बेटा 109, अगर आप इसको ऐड भी कर दोगे ना इन दोनों को तब भी यही आएगा 109,500, या फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों 1,09,500 इंटू 100 अपॉन 4,08,000, 109,500 इंटू 100 अपॉन कितना लिखा हुआ है हमें 4,08,000 दिया हुआ है, तो आप जीरो कट कर दो। ठीक है, अब आपका क्या आएगा, जो टोटल एक्सपेंस है उसका आएगा 26.84। अब आप क्या करोगे, अब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, नंबर 5 लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आप क्या करेंगे बेटा, जो आपका नंबर 3 है उसमें से नंबर 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखें किसको, 6 लाख में से आपने माइनस करना है 4,08,000, तो आएगा आपका 1,92,000, और जो ये आपका 9 लाख उसमें से 5,17,000 माइनस करेंगे, 9 लाख में से आप करिए जरा
9 लाख में से आपका 5,17,500 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 382,500. अब आप दोनों का डिफरेंस लेंगे, या तो आप 3 लाख में से 1,09,500 माइनस करो तब भी यही आएगा, ठीक है, अदरवाइज आप 382,500 में से 1,92,000 माइनस कर दीजिए, 1,90,500, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, यही आएगा बेटा. अब आप क्या करोगे, 1,90,500 इंटू 100 अपॉन 1,92,000, 1,90,500 इंटू 100 अपॉन 1,92,000, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 99.22. अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इनकम टैक्स 50% है दोनों ईयर में, तो अब नंबर 6 लिखेंगे, इनकम टैक्स 50%, इनकम टैक्स 50%. अब आप 1,92,000 का 50% मीन्स हाफ कर दो ना, 50/100 मीन्स हाफ, 96,000 आ जाएगा इसमें, और 382,500 का हाफ करो जरा, 50% मीन्स हाफ, वन नाइन वन टू फाइव जीरो. फिर आप 191,250 में से माइनस कर दो 96,000, क्या आएगा, 95,250. और इसका क्या आएगा, 95,250 इंटू 100 अपॉन 96,000, तो आया 99.22, इसका 2 ही है, 99.22. अब जो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो सेम आएगा, क्यों, क्योंकि 50% टैक्स माइनस करके जो बचेगा वो यही बचेगा, सेम नंबर 7 लिख लो इसको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए 5th माइनस 6th, यही सेम अमाउंट आने वाले हैं, सेम लिख दीजिए 96,000, इसका 191,250 और इसका 95,250 और अगले का 99.22, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हमें क्वेश्चन में 15, 16 और 14, 15 दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000, ये बनेगा 2015 एंड 2016, पहले चेंज कर लीजिए. तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2015-16, पहले आपका है 14-15, प्रीवियस ईयर हमारा 14-15 है, 2014-15, फिर 2016-17, फिर आपका कॉलम बनेगा इसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, फिर परसेंटेज चेंज, आप पर्टिकुलर को नंबर 1 दोगे और प्रीवियस ईयर को 2, फिर करंट ईयर को 3 नंबर देंगे, 4 नंबर आप दोगे एब्सोल्यूट चेंज को और 5 दोगे परसेंटेज चेंज को. उसके बाद 14-15 को आप ए लिखोगे, 15-16 को बी, फिर एब्सोल्यूट चेंज को सी, सी का मतलब है बी माइनस ए, और जो अगला है लास्ट कॉलम उसको डी देंगे, सी अपॉन ए इंटू 100, दैट इज द फार्मूला. अब हमें क्वेश्चन में फिर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर 3 कॉलम में रुपीज रुपीज लिखेंगे, लास्ट कॉलम में परसेंटेज. अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो लिखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर में हमें 6 लाख दे रखा है,
अब करंट ईयर में कितना है बेटा, 8 लाख है, तो कितना इंक्रीज हो गया, 8 लाख माइनस 6 लाख 2 लाख हो गया। फिर आएगा जो डी का फार्मूला है, 2 लाख इंटू 100 अपॉन 6 लाख, तो ये आ जाएगा 33.33। तो आप लिख लीजिए 33.33। अब हमें क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा, अदर इनकम नहीं है, फिर भी आप लिखेंगे नंबर टू अदर इनकम, चाहे आप डैश भी क्यों ना लिखे, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आप नहीं लिखते, तो डैश ही आएगा, फिर भी आपने लिखना है। फिर नंबर थ्री लिखिए टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यूज अमाउंट सेम ही आएगा, पहले लिखेंगे आप 6 लाख, फिर लिखेंगे 8 लाख, फिर लिखेंगे आप 2 लाख, फिर आपका आएगा 33.33। चाहे सिमिलर ही क्यों ना आए, तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इनका बहुत ही तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपने अपने आप लिखनी है। नंबर फोर लिखिए लेस एक्सपेंसेस, हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब एक्सपेंसेस क्या है, दो तरह के दे रखे हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है और एक अदर एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें पहले दे रखी है 4,50,000 प्रीवियस ईयर की, अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दैट इज ऑफ रुपीज 4,50,000 प्रीवियस ईयर की, और करंट ईयर की हमें 4,80,000 दे रखी है। क्वेश्चन में ईयर उल्टे हैं, ध्यान से देखिएगा, 4,80,000, तो कितना डिफरेंस आ गया, 30,000 आ गया, ठीक है, यानी कि 4,80,000 इज ओवर उल्टे के 30,000। फिर जो डी है उसका क्या करेंगे, 30,000 इंटू 100 अपॉन 4,50,000, तो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6.67, ठीक है। उसके बाद हमें अदर एक्सपेंस के बारे में कहा गया, हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस दैट इज 10% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, 10% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट का, ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू आपको दी हुई है दैट इज ऑफ रुपीज 6 लाख, 6 लाख में से 4,50,000 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा, पहले साल में मान लिया 50,000, उसके ऊपर आपने 10% लगाना है, दैट विल बी 10/100, इट विल बी 15,000। इसको फिर समझना आपने, मैं क्या कह रही हूँ, हमारा जो रेवेन्यू है दैट इज 6 लाख, उसमें से हमने कॉस्ट माइनस कर दिए 4,50,000, तो आ गया 1,50,000, 1,50,000 का 10% आ जाएगा 15,000। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो इस ईयर में है, जो करंट ईयर है, 8 लाख है, 8 लाख में से 4,80,000 माइनस हो गए तो रह जाएंगे आपके 3,20,000 आ गया, 8 लाख में से 4,80 माइनस करके 3,20,000 का हमें 20% का आ गया। गलती मत करना, बच्चे गलती करते हैं, सब 10% करते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो आपको क्या बोला गया है, आपको 20% का आ गया है तो 64,000 आ जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस आया 3,20,000, 3,20,000 का 20% किया तो 64,000 आ गया। अब 64,000 में से आप 15,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, 39,000 आ गया, एक मिनट, 49,000 आ गया डिफरेंस, 49,000। अब आप क्या करेंगे, अब आप फार्मूला क्या लगाएंगे, D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू 100, A कितना है, दैट इज 15,000, तो अब आप करिए जरा, ठीक है, 326.67। अब आप क्या करोगे, हमें दोनों एक्सपेंसेस पता चल गए, सिर्फ दो ही एक्सपेंसेस है, इनका हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो लिखिए जरा टोटल एक्सपेंसेस इसको ऐड कर लीजिए, दैट विल बी
4,65,000, फिर 5,44,000, फिर 79,000 डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप ऐसे भी करके देखो 5,44,000 में से, मैं आपको करके भी बता देती हूँ, 5,44,000 में से अगर आप ये माइनस करोगे 4,65,000, तब भी आपका वही आंसर आएगा जो मैंने लिखा है, ठीक है, 79,000। अदरवाइज इनको प्लस करो तब भी यही आएगा। अब आगे क्या करना है, 79,000 इंटू 100 अपॉन 4,65,000, ठीक है। अब आप निकाल लेंगे इसकी परसेंटेज, टोटल एक्सपेंस की आएगी 16.99। अब आप क्या करोगे, नंबर सिक्स ले लोगे, सॉरी फाइव, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फार्मूला क्या लगाओगे, थर्ड माइनस फोर, ये 6 लाख, इसमें से 4,65,000 माइनस कर दोगे तो 1,35,000 आ जाएगा, ठीक है। और आप 8 लाख में से 5,44,000 निकालोगे तो ये आएगा 2,56,000। 2,56,000 में से आप 1,35,000 माइनस कर दीजिए तो आएगा आपका 1,21,000। अदरवाइज आप 2 लाख में से 79 माइनस करके देखो तब भी यही आएगा, ठीक है। तो अब आपका आएगा अगला 1,21,000 इंटू 100 अपॉन 1,35,000, ठीक है, 1,35,000, ठीक है। अब आप इसका निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो हमारा आंसर आएगा 89.63। उसके बाद हम करेंगे लेस टैक्स, टैक्स भी वाला 40%, 1,35,000 हमारा आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 40% किया 54,000। और फिर ये जो हमारा आया है 2,56,000, वो कैसे है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 8 लाख में से हमने 5,44,000 माइनस किए 2,56,000, फिर इन दोनों का डिफरेंस लिया 1,21,000, फिर ये कैसे आया 1,21,000 इंटू 100 अपॉन 1,35,000, 89.63। उसके बाद ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, 40% हमने किया 1,35,000 का, 40% 54,000, 2,56,000 का 40% किया 102,400, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया 48,400, 48,400 इंटू 100 अपॉन 54,000, 89.63। अब हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिफ्थ माइनस सिक्स्थ, इसमें से ये माइनस कर देंगे 81,000 आ जाएगा, 2,56,000 में से 1,02,400 माइनस करो 1,53,600 आ जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 72,600, फिर ये वाला कॉलम का आंसर 89.63 आया, कैसे 72,600 इंटू 100 और 81,000, तो 89.63। तो बेटा आपको मैंने इस वीडियो के अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया है, क्वेश्चन नंबर मैंने 9, 10 और 11 करवा दिए हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करा दूंगी, फिर हमारा चैप्टर जो आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, से ट्यून विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।